गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सबका नवभारती प्रांगण में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 11 का पढ़ेंगे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.1। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले लीनियर, पहली क्लास जो बड़ी लीनियर इक्वेशन वो क्या होता है, वन और टू वेरिएबल्स के होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल की होती है। हमने एक इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी x की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, माइनस वन का रूट। तो ये रियल वैल्यू नहीं होती। रियल वैल्यू क्या होती है, जब हम x स्क्वायर किसी का भी रूट करते हैं, जैसे फोर की रूट करा तो क्या आया, टू आया, तो ये पॉजिटिव रियल वैल्यू हुई। तो किसी का भी रूट करते हैं तो उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इनके मुताबिक, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो कि आता है ग्रेटर देन होता है जीरो से। तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव अगर आ जाए तो। नेगेटिव क्या हो गया, वो तो लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं, रूट माइनस का रूट जो होता है माइनस का, तो उसको हम लिखते हैं आईटा। अगर हम इसके स्क्वेयर कर दे दोनों तरफ तो क्या आएगा, माइनस वन इज इक्वल टू आईटा स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास आईटा स्क्वेयर की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन भी आ गया हमारे पास, क्या आया आईटा, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जनरली जेड इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी। यहाँ पर a और b क्या है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। हमने बोल दे कि रियल पार्ट जो ये a है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z। इसको डिनोट कैसे करते हैं, r e z से, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको डिनोट करते हैं i m z से, ठीक है। अब हमने ले लिया एग्जांपल, ले लिया 2 प्लस आईटा 3, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, माइनस 1 प्लस आईटा रूट 3, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, जेड वन है और वो किसके बराबर है, ए प्लस आईटा बी के, और दूसरा ले लिया जेड टू, वो हो गया सी प्लस आईटा डी के। हम बोल रहे हैं कि जेड वन और जेड टू इक्वल है। तो जेड वन जेड टू इक्वल कब होंगे, जब ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। कैसे, हमने मान लिया जेड वन जेड टू के बराबर है, लेट कर लिया या फिर बोल दिया इफ जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ए प्लस आईटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आईटा डी हो जाएगा। कंपेयर करेंगे रियल पार्ट टू रियल पार्ट से तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू सी। इमेजिनरी पार्ट टू कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू डी। तो हमने यही बोला है जेड वन जेड टू की इक्वल कब होगा, जब ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने मान लिया कि ये इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर एक्स वाई क्या है, रियल नंबर, और फाइंड करना एक्स वाई की वैल्यू। तो इक्वेशन क्या है, फोर एक्स प्लस का आईटा थ्री एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू थ्री प्लस आईटा माइनस का सिक्स, ठीक है। कंपेयर करेंगे रियल को वैल्यूज को तो फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री बाय फोर। अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है, थ्री एक्स माइनस का वाई इधर माइनस का सिक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, थ्री इंटू में थ्री बाय फोर माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का सिक्स। तो यहाँ से नाइन बाय फोर, इस माइनस वाई को इधर ले जाएंगे, माइनस सिक्स को इधर लेके प्लस का सिक्स इज इक्वल टू वाई। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, फोर नाइन प्लस 24 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 33 बाय 4, ये हमारी वाई की वैल्यू होगी और ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास दे दिया एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसका पहला पार्ट है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने लेट कर लिया जेड वन है वो किसके बराबर है, ए प्लस आईटा बी के बराबर है, और जेड टू है वो किसके बराबर है, सी प्लस आईटा डी के।
अब बोल रहा है कि हमें निकालना है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन करेंगे तो यानी कि जेड वन प्लस जेड टू किसके बराबर आएगा, जेड वन की वैल्यूज पुट करो, ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी, जेड टू की होगी ये वैल्यू। रियल पार्ट को एक तरफ लिख देंगे तो ए प्लस सी, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड, बी प्लस डी, ये हमारी आ गई जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू। ठीक है, ये भी क्या एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमने ले लिया एग्जांपल टू प्लस आइटा थ्री ले लिया, उसको हम कलर कर रहे हैं प्लस माइनस का सिक्स प्लस का फाइव आइटा। ठीक है, तो हम करेंगे टू माइनस का सिक्स प्लस का आइटा कॉमन, थ्री प्लस का फाइव, तो क्या आया माइनस का फोर प्लस का आइटा सेवन, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे सेटिस्फाई करती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी पहले क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हम किसको बोलते हैं कि जब हमने कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए जेड वन और जेड टू, जेड वन और जेड टू, ठीक है, ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में, अब प्रॉपर्टी किस में करनी है, एडिशन में करनी है, तो हम क्या लिखेंगे कि जेड वन प्लस जेड टू जो ले रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, जेड वन जेड टू हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो उनका एडिशन भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है कि हमने दो लिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन और जेड टू, तो जेड वन प्लस जेड टू करते हैं तो वह जेड टू प्लस जेड वन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि हमने थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए जेड वन जेड टू और जेड थ्री। ठीक है, ये हमारे पास थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब हम क्या करते हैं जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है, इसके अंदर हम जेड थ्री प्लस कर रहे हैं, किसके इक्वल आना चाहिए, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, ये इसके बराबर आना चाहिए, तो ये हमारी एसोसिएटिव लॉ होगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब ये कि जो हमारे पास जेड लिया है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो कैसे ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं, अगर ऐड करेंगे कुछ भी जेड टू करेंगे तो उसकी तरह वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड जो कर रहे हैं वो जीरो को ऐड कर रहे हैं, तो किसके बराबर आएगा जेड वन के, तो हमारी आइडेंटिटी वैल्यू क्या हो गई जीरो। ठीक है, तो हमारी एडिशन में आइडेंटिटी वैल्यू क्या होती है जीरो, तो हमारे जेड प्लस जीरो करते हैं तो भी जेड के बराबर आता है, या फिर हम जीरो प्लस जेड करते हैं तो भी जेड के बराबर आता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स करें तो हमारा क्या होना चाहिए, जेड प्लस जेड टू कर रहे हैं, जेड वन प्लस जेड टू कर रहे हैं तो वो जीरो के बराबर आना चाहिए, तो जेड वन जेड टू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस जेड वन। सिंपली हम क्या करते हैं, जेड प्लस माइनस जेड किसके बराबर आ गया जीरो के, तो ये जो माइनस जेड है ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब है नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस, तो हमने लेट कर लिया जेड वन और जेड टू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं जेड वन माइनस जेड टू किसके बराबर आएगा, जेड वन प्लस माइनस जेड टू के, इस फॉर्म में लिख सकते हैं एडिशन की फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है सिक्स प्लस थ्री आइटा माइनस टू माइनस आइटा। ठीक है, ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिक्स प्लस थ्री आइटा प्लस माइनस अंदर ले लेंगे माइनस का टू हो जाएगा ये, और ये प्लस का आइटा हो जाएगा। ठीक है, अभी एडिशन पढ़ा था हमने, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो तो क्या आएगा, सिक्स प्लस माइनस का टू प्लस आइटा कॉमन, थ्री प्लस आइटा सॉरी थ्री प्लस वन, तो क्या आया सिक्स माइनस टू फोर प्लस फोर आइटा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 2 माइनस आइटा, माइनस का 6 प्लस 3 आइटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस आइटा प्लस माइनस अंदर ले लेंगे 6 माइनस का 3 आइटा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, इमेजिनरी पार्ट एक साइड, रियल पार्ट एक साइड, ठीक है, प्लस आइटा माइनस 1 माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 4 आइटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड वन जेड टू हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि हम जेड वन को जेड टू से डिवाइड करें, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बट यहाँ पर क्या होगा, जेड टू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेड वन इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आइटा, और जेड टू ले लिया हमने 2 माइनस आइटा, बोलते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यानी कि जेड वन अपॉन में जेड टू करेंगे, तो जेड वन अपॉन में जेड टू 6 प्लस 3 आइटा अपॉन में 2 माइनस आइटा, ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ये जो नीचे वाली टर्म होती है इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इसका कॉन्जुगेट करके 2 प्लस आइटा अपॉन में 2 प्लस आइटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 आइटा 2 प्लस आइटा, नीचे क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बनता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, तो किसके बराबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 2 के साथ करेंगे 12, 6 की आइटा के साथ करेंगे 6 आइटा, 3 आइटा की 2 के साथ करेंगे तो 6 आइटा, 3 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आइटा स्क्वायर अपॉन में, अब नीचे करेंगे 4 माइनस आइटा स्क्वायर, हमने आइटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी थी, क्या होती है, आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो हम लिख देंगे 12 प्लस 6 आइटा, ये 6 आइटा और ये 6 आइटा कितना हो गया, 12 आइटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 12 आइटा, ठीक है, ये 3 आइटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 4 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, 9 प्लस 12 आइटा अपॉन में 4 वन में एक ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने ले लिया, लेट कर दिया, जेड वन है ए प्लस आइटा के बराबर है, जेड टू सी प्लस आइटा डी के, ठीक है, और ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम प्रोडक्ट करते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन, तो इसको लिखते हैं जेड वन जेड टू, ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, जेड वन जेड टू इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी, ये होता है, तो क्या आएगा, ए सी ए आइटा डी प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा स्क्वायर बी डी, आइटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, माइनस वन, ए सी माइनस बी डी, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा, इसमें से आइटा कॉमन ले लेंगे, ए डी प्लस बी सी, ये किसके बराबर आ गया, जेड वन जेड टू के, ठीक है। हाँ, जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज थी वैसे मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या है, जेड वन जेड टू जब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड वन डॉट जेड टू भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जेड वन जेड टू हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, तो हम जेड वन को जेड टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जब जेड टू तो किसके बराबर आना चाहिए, जेड टू जेड वन के, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हमने थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, जेड वन जेड टू जेड थ्री, तो जेड वन को हम जेड टू
के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जेड थ्री के साथ करते हैं, तो किसके बराबर आना चाहिए, जेड वन जेड टू जेड थ्री, ठीक है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगा यहाँ पर, वन, क्योंकि जेड के साथ हम वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड ही आएगा, या फिर हम वन को जेड के साथ करते हैं तो भी जेड ही आएगा। तो हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, वन। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, कि हम जब जेड को जेड जेड वन को जेड टू के साथ मल्टीप्लाई करते तो वन के इक्वल आना चाहिए, यानी कि जेड टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन बाय जेड वन, हम लेके चलते जेड, तो जेड किसके बराबर आएगा, वन बाय जेड, ठीक है। तो जेड की इंटू में जेड इनवर्स इज इक्वल टू वन आएगा, तो ये जेड इनवर्स क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, यहाँ पर एडिशन में तो सिर्फ यही पांच प्रॉपर्टी थी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ये एक एक्स्ट्रा होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, हमने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, जेड वन जेड टू जेड थ्री, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेंगे, जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री किसके बराबर आएगा, जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम ले लेते हैं जेड वन प्लस जेड टू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं जेड थ्री के साथ, तो क्या आएगा, एक बार जेड वन के साथ मल्टीप्लाई कर लो जेड थ्री, एक बार जेड टू के साथ, ठीक है। ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास पावर ऑफ आल्टा, पावर ऑफ आल्टा हम देखते हैं, हमने आल्टा किसके बराबर था, माइनस वन रूट, आल्टा स्क्वेयर कर रहा तो क्या आया, माइनस का वन, इसी तरह हम आल्टा क्यूब कर देते हैं, तो आल्टा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आल्टा इंटू में आल्टा स्क्वेयर, आल्टा एज इट इज, आल्टा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन लिख दो, तो क्या आया आल्टा क्यूब की वैल्यू, माइनस आल्टा, ठीक है। ये हमारे पास आल्टा क्यूब की आ गई, आल्टा फोर को लिख देते हैं, आल्टा फोर क्या होता है, आल्टा स्क्वेयर इंटू में आल्टा स्क्वेयर, आल्टा स्क्वेयर की वैल्यू क्या, माइनस वन इंटू में माइनस वन, क्या आया, पॉजिटिव वन, ठीक है। इसी तरह हम आल्टा फाइव के निकाल लेंगे और आल्टा सिक्स के भी निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आल्टा इनवर्स लिख देते हैं, आल्टा की पावर माइनस वन, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आल्टा की पावर माइनस वन को वन अपोन में आल्टा, जब अपोन में आल्टा है तो उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, आल्टा से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर आल्टा आ गया, नीचे क्या है, आल्टा का स्क्वेयर, आल्टा का स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, फिर माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगी, माइनस आल्टा आ जाएगी इनवर्स की, इसी तरीके आल्टा माइनस टू, ठीक है, ये लिख दिया, तो क्या आएगा, आल्टा स्क्वेयर। अब आल्टा स्क्वेयर आया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन आल्टा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो आल्टा वन की पावर और माइनस वन टू की वैल्यू क्या है, माइनस वन, आल्टा क्यूब सॉरी आल्टा माइनस की थ्री, यानी कि वन बाय आल्टा क्यूब, ठीक है, वन बाय आल्टा क्यूब, वन बाय आल्टा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आल्टा क्यूब को क्या लिखा था, माइनस आल्टा, तो हम लिख सकते हैं वन बाय माइनस आल्टा, ठीक है। अभी हम माइनस आल्टा की वैल्यू क्या करेंगे, हम माइनस वन अपॉन में आल्टा लिख देंगे, अब आल्टा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, तो क्या है, माइनस आल्टा अपॉन में आल्टा स्क्वेयर, आल्टा स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, माइनस वन, तो माइनस आल्टा अपॉन में माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, आल्टा, ये हो जाएगी आल्टा की पावर माइनस थ्री की वैल्यू, ठीक है। अब हम जनरली लिख लेते हैं और के लिए लिख देते हैं, हम ले लेते हैं आल्टा इज इक्वल टू फोर के, यानी कि आल्टा की जो पावर होगी वो क्या है, इवन, इवन होगी तो क्या आएगी हमारे पास, आल्टा सॉरी वन आएगी, ठीक है। और जब हम ले लेते हैं आल्टा की पावर फोर के प्लस वन, यानी कि ओड होगी तो क्या आएगी हमारे पास, आल्टा, यहाँ पर ही देख लो, आल्टा, आल्टा की पावर फोर थी तो क्या आया हमारे पास वन, अब फोर का मल्टीपल लेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास, वन ही आएगा ना,
अब हम ले लेते हैं आइटा की पावर 5 लिया हमने, तो ये 4 प्लस 1 हो गई, ठीक है। अब हम 4 के मल्टीपल के साथ 1 करते हैं तो हमारी वैल्यूज क्या आएगी, आइटा ही आएगी। तो हमने लिख दिया आइटा की पावर 4 के प्लस 1 जिसके बराबर है आइटा के, हम लिख रहे हैं आइटा की पावर 4 के प्लस 2, ये क्या है, इवन ही है, ठीक है। जैसे हमने आइटा की पावर 6 लिया था तो ये क्या था 4 प्लस 2, तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है कि माइनस 1, तो आइटा की पावर 4 के प्लस 2 की क्या वैल्यू है, माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से चलता जाएगी जनरली। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि माइनस 1 है, ठीक है, ये नेगेटिव रियल नंबर है, इसका जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, तो किसके बराबर आता है, आइटा के। तो हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस को इधर ले जाते हैं, माइनस आइटा हो जाता है, माइनस आइटा का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, ठीक है। यदि हम मान लेते हैं आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितने हैं इसके, एक तो आया माइनस का 1, ठीक है, दूसरा आया आइटा, तीसरा आया माइनस आइटा, सॉरी दो ही आएंगे, माइनस का 1 और रूट, सॉरी आइटा, ठीक है, दो ही स्क्वायर रूट आएंगे, ठीक है। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनस के 1 से जिसका क्या वैल्यूज होगी, आइटा से, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एक्स, हमने इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज क्या आएगी, एक्स की वैल्यू माइनस 1 का रूट, वो किसके बराबर होती है, आइटा के बराबर होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ले लिया रूट 3 आइटा का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट 3 आइटा का होल स्क्वायर लेंगे हम, तो क्या करेंगे, रूट 3 आइटा का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, रूट 3 का अलग स्क्वायर कर लेते हैं, आइटा का अलग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो क्या है, माइनस का 3, ठीक है। और दूसरा मेथड देखते हैं, रूट माइनस का रूट 3 आइटा ये ले लिया हमने, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे इंटू में आइटा स्क्वायर, तो ये इसके बराबर आएगा 3, रूट से रूट कैंसिल, लेकिन माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, प्लस, तो 3, आइटा स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 1, तो क्या है, माइनस 3। तो इससे क्या मिला कि जो ये रूट 3 आइटा था ये किसके बराबर आ गया, माइनस का रूट 3 आइटा के, ठीक है। तो जो इन दोनों का स्क्वायर रूट था वो किसके बराबर आया, माइनस 3 के, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो आइटा और माइनस आइटा लिया उन दोनों का ही स्क्वायर रूट क्या आएगा, माइनस 1, ठीक है। हम ले लेते हैं आइटा स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस 1 का रूट इंटू में माइनस 1 का रूट, तो आता है वो माइनस का 1, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, रूट ए डॉट रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है, ठीक है। रूट 1 किसके बराबर होता है, 1 के, और आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1 के। बट हमारे पास हम ये करते हैं रूट ए क्रॉस रूट बी, तो कभी भी क्या आएगा, रूट ए बी के बराबर नहीं आएगा। रूट ए डॉट रूट बी तो रूट ए बी के बराबर आएगा, बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसकी तो इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यू, उसकी 0 आएगी, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी ले लेते हैं, हमने प्रूफ करना है, हमने ले लिया जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर इसके बराबर आना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो हम LHS लेके चलेंगे, LHS पार्ट क्या है, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग लिख देंगे, जेड वन प्लस जेड टू,
जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है। एक बार इसकी जेड वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड वन प्लस जेड टू की जेड वन से, फिर हम क्या कर देंगे जेड वन प्लस जेड टू की जेड टू से कर देंगे। अब अंदर इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव से, जेड वन की जेड वन के साथ, जेड टू की जेड वन के साथ, इसी तरीके जेड वन की जेड टू के साथ और जेड टू की जेड टू के साथ। तो क्या बन गया, इसको जेड वन स्क्वायर लिख सकते हैं, जेड वन का स्क्वायर, ये जेड वन जेड टू और ये भी जेड वन जेड टू, तो क्या होगा टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड ट्रायंगल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम ऐसे इनको भी प्रूव कर सकते हैं, जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर ले लिया, तो जेड वन माइनस जेड टू ले लेंगे, फिर जेड वन माइनस जेड टू एक बार जेड वन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई इसको जेड वन माइनस जेड टू को, फिर एक बार जेड वन माइनस जेड टू को माइनस जेड टू के साथ कर देंगे, ठीक है। जेड वन को जेड वन के साथ करेंगे, माइनस जेड टू को जेड वन के साथ, फिर जेड वन को माइनस जेड टू के साथ करेंगे, माइनस जेड टू को माइनस जेड टू के साथ करेंगे, तो क्या आएगा जेड वन का होल स्क्वायर माइनस का टू जेड वन जेड टू माइनस का जेड टू का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना, ठीक है। इसी तरीके से जेड वन जेड टू की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, जेड वन माइनस जेड टू की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड टू का स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू कैसे लिख सकते हैं हम अब आर एच एस लेके चलेंगे, इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, जेड वन प्लस जेड टू की जेड वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और एक बार हम जेड वन प्लस जेड टू की माइनस जेड टू के साथ कर देंगे, तो क्या आएगा जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड वन माइनस का जेड टू, तो क्या आएगा ये, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का जेड वन जेड टू माइनस का जेड टू का जेड टू के साथ, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या आया जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड टू का स्क्वायर, यही हमारा आर एच एस था, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास कि a प्लस आइटा b के फॉर्म में लिखना है, जो ये गिवन दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है हमारे पास, पहला पार्ट है माइनस का 5 आइटा 1 बाय 8 आइटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस 5 को 1 बाय 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आइटा को आइटा के साथ, ठीक है। तो क्या है, माइनस का 5 बाय 8 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, तो माइनस का 5 बाय 8 इंटू में माइनस 1, तो क्या है प्लस का 5 बाय 8, तो ये क्या है रियल वैल्यू, और हमें लिखना कैसे a प्लस बी आइटा, इमेजिनरी वैल्यू है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी वैल्यू की जगह 0 आइटा 0, ठीक है। ये हो गया हमारा a प्लस आइटा b के फॉर्म में। अब इसी तरीके हम इसका लेंगे, तो क्या है माइनस आइटा इंटू में 2 आइटा अपॉन में माइनस 8 आइटा की क्यूब, ठीक है। इसके इसके साथ कर देंगे तो क्या आएगा माइनस का टू आइटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस का वन बाय एट है, माइनस वन की क्यूब करेंगे, वन बाय एट की क्यूब करेंगे और आइटा की क्यूब करेंगे अलग से, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पर आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, माइनस वन, तो माइनस टू इंटू में माइनस वन, माइनस वन की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन, वन बाय एट की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, फाइव हंड्रेड ट्वेल्व, वन बाय फाइव हंड्रेड ट्वेल्व और आइटा क्यूब करेंगे तो माइनस आइटा, ठीक है। माइनस टू माइनस वन, माइनस वन क्या आ जाएगा माइनस का टू अपॉन में फाइव बाय फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इंटू में माइनस आइटा, तो क्या आ जाएगा टू आइटा अपॉन में फाइव हंड्रेड ट्वेल्व,
इससे इसको काट देंगे तो क्या आएगा, टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो क्या आया आइटा फोर में टू फाइव सिक्स। तो इसको इस फॉर्म में लेना है ए प्लस आइटा बी के में, बट रियल पार्ट नहीं है तो हम लिख देंगे जीरो प्लस वन बाय टू फाइव सिक्स आइटा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या बोला गया है, फाइव माइनस थ्री आइटा की क्यूब को एक्सप्रेस करना है ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। तो हमें पता है ए माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी की क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या दे रखा, फाइव माइनस थ्री आइटा क्यूब, वैल्यूज करेंगे फाइव की क्यूब माइनस का थ्री फाइव का स्क्वायर इंटू में थ्री आइटा प्लस का थ्री इंटू में फाइव इंटू में थ्री आइटा का स्क्वायर माइनस थ्री आइटा की क्यूब। फाइव की क्यूब क्या आएगा, वन ट्वेंटी फाइव माइनस का थ्री फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इंटू में थ्री आइटा प्लस थ्री फाइव या फिफ्टीन। ठीक है, थ्री का स्क्वायर नाइन आइटा स्क्वायर माइनस थ्री ठीक ना क्यूब ट्वेंटी सेवन और आइटा की क्यूब माइनस आइटा। ठीक है, हम लिख देंगे इसको वन ट्वेंटी फाइव, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू ट्वेंटी फाइव आइटा नाइनटीन फिफ्टीन नाइन जा वन थर्टी फाइव आइटा स्क्वायर है तो माइनस वन हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस वन, माइनस वन थर्टी फाइव माइनस आइटा माइनस वन ट्वेंटी सेवन यानी कि प्लस का ट्वेंटी सेवन आइटा वन ट्वेंटी फाइव वन थर्टी फाइव दे रखा माइनस का, तो करेंगे माइनस का टेन माइनस का वन नाइन्टी एट आइटा आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, एक्सप्रेस करना है इसको इस फॉर्म में ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। तो दे क्या रखा, माइनस का रूट थ्री आइटा प्लस माइनस का टू रूट किसके साथ मल्टीप्लाई करनी, इसके टू रूट थ्री माइनस आइटा के साथ। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, माइनस का रूट थ्री रूट माइनस का टू को टू रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार माइनस रूट थ्री प्लस रूट माइनस का टू क्यों माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको माइनस रूट थ्री को जब हम टू रूट थ्री के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू रूट थ्री को रूट थ्री के साथ करेंगे तो थ्री आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस टू रूट थ्री इंटू में माइनस का टू रूट ठीक है प्लस माइनस का रूट थ्री को आइटा के माइनस आइटा के साथ करेंगे तो रूट थ्री आइटा प्लस रूट टू को माइनस आइटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का रूट टू आइटा। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व तो माइनस का सिक्स प्लस टू रूट माइनस का सिक्स प्लस रूट थ्री आइटा माइनस माइनस का रूट टू आइटा। इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर लेंगे और रियल पार्ट्स को एक तरफ कर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का सिक्स प्लस टू रूट माइनस का सिक्स ठीक है प्लस आइटा कॉमन ले लेंगे रूट थ्री माइनस माइनस का रूट टू। ये हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन, ये हमारी क्या होगी, रियल वैल्यूज होगी यानी कि ये ए की वैल्यू और ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू होगी यानी ये बी की वैल्यू। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है हमारा मोडुलस एंड कंजुगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारे पास जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किसके बराबर है, ए प्लस आइटा बी के। ठीक है, ये हमारे पास जेड की वैल्यू है ए प्लस आइटा बी। ठीक है, अब हम मोडुलस कैसे लिख सकते हैं, मोडुलस डिनोट करते हैं हम जेड मोड
और इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम कि जो जेड की वैल्यू है उसका अंडर रूट। तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या थी, ए प्लस आइटा बी, तो हम उसको लिख सकते हैं रूट ए प्लस आइटा बी। और कंजुगेट को डिनोट कैसे करते हैं, जेड के ऊपर एक बार, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, जो हमारे पास जेड में इमेजनरी वैल्यू होती है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, माइनस, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, ये होता है हमारा जेड कंजुगेट, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लो, थ्री प्लस आइटा का मोड बोल दिया, यानी कि मोड निकालना है थ्री प्लस आइटा, तो क्या करेंगे, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो थ्री का स्क्वेयर प्लस बी क्या है वन, वन का स्क्वेयर, तो क्या आएगा थ्री का स्क्वेयर नाइन प्लस वन, यानी कि रूट टेन, रूट टेन आ गया। और हम इसी का कंजुगेट बोल दें, तो थ्री प्लस आइटा का कंजुगेट निकालो, तो क्या लिखेंगे, आइटा प्लस का है यहाँ पर, माइनस का आइटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि थ्री माइनस आइटा, ठीक है। ये हमारे लिए मॉडुलस निकालना और कंजुगेट निकालना, ठीक है। अब हमें बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जेड इनवर्स, जेड की वैल्यू क्या थी, ए प्लस आइटा भी इनवर्स है, तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं। जब अपॉन में आइटा की वैल्यू हो तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो ए रैशनलाइजेशन क्या करते हैं, जब यहाँ पर आइटा प्लस में दे रखा हो तो हमें माइनस में करना है, और माइनस में दे रखा हो तो किस में करना है, प्लस में करना है, ए माइनस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, तो क्या आ जाएगा ऊपर, ए माइनस आइटा बी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, रियल पार्ट को एक तरफ कर दो, ए अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस आइटा बी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। और ये किसके बराबर हुआ, ए माइनस आइटा बी किसकी वैल्यू थी, जेड मोड की, सॉरी जेड कंजुगेट की, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसकी वैल्यू थी, जेड मोड के स्क्वेयर की, तो हम लिख सकते हैं जेड इंटू में जेड कंजुगेट इज इक्वल टू जेड के मोड का स्क्वेयर, ठीक है। और इसके जेड वन और जेड टू के कोई और कॉम्प्लेक्स, मतलब इसके रिजल्ट्स आएंगे दोनों कॉम्प्लेक्स के, जैसे हमने यहाँ पर जेड वन की वैल्यू जेड कंजुगेट निकाला, जेड इनवर्स निकाला, वैसे हम जेड वन जेड टू के मोड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड वन का मोड जेड टू का मोड, ठीक है। जेड वन अपॉन में जेड टू के मोड को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड वन अपॉन में मोड ऑफ जेड टू, ठीक है। इसी तरीके कंजुगेट भी लिख सकते हैं, जेड वन जेड टू का कंजुगेट, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ जेड वन डॉट कंजुगेट ऑफ जेड टू, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लिख सकते हैं, जेड वन प्लस माइनस जेड टू का कंजुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, जेड वन का कंजुगेट प्लस माइनस जेड टू का कंजुगेट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे है एग्जांपल, एग्जांपल दे रखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है टू माइनस थ्री आइटा का, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि जेड इनवर्स, हमने लेट कर लिया ये जेड है वो किसके बराबर है, टू माइनस थ्री आइटा। जेड इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में टू माइनस थ्री आइटा, माइनस का मतलब सॉरी आइटा अपॉन में, तो यानी रैशनलाइजेशन करेंगे, या माइनस गिवन है तो प्लस में करेंगे, टू प्लस थ्री आइटा, टू प्लस थ्री आइटा, ठीक है। किसके बराबर आया, टू प्लस थ्री आइटा अपॉन में टू का स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर, ठीक है। किसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू टू प्लस थ्री आइटा अपॉन में फोर प्लस नाइन, तो क्या है टू प्लस थ्री आइटा अपॉन में थर्टीन, अलग अलग कर सकते हैं रियल पार्ट को, टू अपॉन में थर्टीन प्लस का थ्री आइटा अपॉन में थर्टीन, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक्सप्रेस करना है ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में करना है किसको, ये पहला पार्ट है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, फाइव प्लस रूट टू आइटा दे रखा है, अपॉन में भी आइटा की टर्म में, तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं,
वन माइनस रूट टू आइटा, माइनस में देखा तो हम क्या करेंगे प्लस में करेंगे, प्लस का रूट टू आइटा अपॉन में वन प्लस रूट टू आइटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फाइव प्लस रूट टू आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस रूट टू आइटा अपॉन में वन का स्क्वेयर माइनस रूट टू आइटा का स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या आया फाइव को वन के साथ करेंगे फाइव, फाइव को रूट टू के साथ करेंगे तो फाइव रूट टू आइटा, रूट टू आइटा को वन के साथ करेंगे तो रूट टू आइटा, और रूट टू को रूट टू आइटा को रूट टू आइटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा टू आइटा स्क्वेयर अपॉन में वन का स्क्वेयर वन माइनस रूट टू का स्क्वेयर टू आइटा का स्क्वेयर क्या आएगी माइनस वन, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे फाइव प्लस फाइव रूट टू आइटा, ठीक है, प्लस रूट टू आइटा, आइटा स्क्वेयर क्या आएगी माइनस टू वैल्यू अपॉन में वन प्लस टू, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे फाइव इधर है और इधर माइनस का टू तो क्या आ जाएगा थ्री, थ्री रूट टू आइटा इसमें भी और उसमें भी कॉमन ले लेंगे रूट टू आइटा, यहाँ बचा फाइव और यहाँ बचा वन तो क्या आएगा सिक्स, सिक्स रूट टू आइटा अपॉन में क्या आएगा थ्री, सेपरेट कर देंगे थ्री बाय थ्री प्लस सिक्स बाय रूट टू आइटा अपॉन में थ्री तो वैल्यूज क्या है वन प्लस टू रूट टू आइटा, ठीक है। ये आ गया ए प्लस बी की फॉर्म में, आइटा बी की फॉर्म में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज की क्वेश्चन। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखेंगे तो फाइव आइटा इंटू में माइनस का थ्री बाय फाइव आइटा सॉल्व करेंगे, माइनस का थ्री बाय फाइव इंटू में फाइव आइटा का स्क्वेयर, फाइव से फाइव कैंसिल क्या है माइनस का थ्री, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो किया गया थ्री। सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, आइटा की कोई वैल्यू नहीं आ रही तो हम इसको क्या लिख सकते हैं थ्री प्लस आइटा जीरो, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे टेंथ तक, सेम ऐसे ही करने हैं टेंथ क्वेश्चन तक, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इलेवंथ क्वेश्चन। इलेवंथ के लिए क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, फोर माइनस थ्री आइटा ये दे दिया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि वन बाय जेड, जेड इनवर्स बोल दो जेड, तो क्या लिखेंगे वन बाय फोर माइनस थ्री आइटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर प्लस थ्री आइटा से और डिवाइड भी कर देंगे फोर प्लस थ्री आइटा से, तो क्या आया फोर प्लस थ्री आइटा अपॉन में फोर का स्क्वेयर माइनस थ्री आइटा का स्क्वेयर, तो क्या आया फोर प्लस थ्री आइटा अपॉन में फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वेयर नाइन, आइटा स्क्वेयर क्या आएगा माइनस वन, फोर प्लस थ्री आइटा अपॉन में सिक्सटीन प्लस नाइन, सिक्सटीन प्लस नाइन क्या होता है फोर प्लस थ्री आइटा अपॉन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, सेपरेट कर दो फोर अपॉन में ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री अपॉन में ट्वेंटी फाइव आइटा, ठीक है। सेम इसी तरह ट्वेल्थ और थर्टीन क्वेश्चन करना, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे थ्री प्लस आइटा रूट फाइव को पहले हम थ्री माइनस रूट आइटा फाइव, ये क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में, फॉर्म में क्या दे रखा है रूट थ्री प्लस रूट टू आइटा माइनस रूट थ्री माइनस आइटा रूट टू, ठीक है, ये दे रखा ऊपर दे रखा ए प्लस बी की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा थ्री का स्क्वेयर माइनस आइटा रूट फाइव का होल स्क्वेयर अपॉन में रूट थ्री से ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ठीक है। अब बचेगा क्या ये रूट टू आइटा प्लस रूट टू आइटा, ठीक है। ऊपर क्या है थ्री का स्क्वेयर नाइन माइनस आइटा का स्क्वेयर माइनस वन, फाइव रूट फाइव का स्क्वेयर फाइव अपॉन में
पार्ट का, ठीक है। 9 + 5 अपॉन में 2√2 आटा, ठीक है। 9 + 5 क्या होता है 14, 14 अपॉन में 2√2 आटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, 7 अपॉन में √2 आटा। अब नीचे राइट आ रहा है तो इसका क्या कर देंगे, हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, 7 अपॉन में √2 आटा, इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 7 आइटा अपॉन में √2 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ऊपर लिख देंगे -7 आइटा / √2। ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस सॉरी हाँ माइनस का 7 / √2 आइटा, ये हो गई ए प्लस बी आइटा की फॉर्म में। ये हमारा सॉल्यूशन था, ये एक्सरसाइज यहीं पर ही खत्म होती है, ठीक है।